वीडियो में थोड़ा सा ये 15, 16, 17 और 18, 19, 20 ये चार क्वेश्चन करने डिस्कस करने रह गए थे, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पहली वीडियो में जाए बिना ये पता नहीं लग पाएगा कि किस तरीके से आपको ये 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल नॉलेज मेडिसिन को बचाने के लिए क्या किया है, जैसे कि देखिए मित्रों, हुआ क्या है कि ट्रेडिशनल जो हमारी नॉलेज है, व्यक्ति क्या क्या करता था कि ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर, जैसे जड़ी बूटी और इनके आधार पर जो है अपना इलाज कर लिया करता था। मगर आज क्या है, व्यक्ति सीधे जाता है और हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाता है, और उसको कुछ नहीं भी हुआ होता है तो डॉक्टरों द्वारा उन्हें जो है बीमार दवाई दे दे के कर दिया जाता है। ये आप इसको सीधे सीधे तौर पर ना लिख के, ये आप एग्जाम्पल फोर्टिस और मैक्स और इनका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, रिसेंट के एग्जाम्पल कोट करके आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो मित्रों, इसके आगे देखते हैं कि कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन स्टैंडिंग इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। जी डेफिनेटली, आप ये लिख सकते हैं कि जो क्रिस्पर क्रैस 9 के जरिए जो बीटी कॉटन था, उसके आज नेगेटिव इम्प्लीकेशन भले ही देखने को मिल रहे हैं, मगर जो है इस तरीके की जेनेटिक मॉडिफाइड सीड जो है वो फार्मर के लिए वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। वहाँ की बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर की जो फूड ग्रेन की जो पावर है वो बढ़ा सकती है, फूड मतलब प्रोडक्शन पर, यील्ड पर एरिया बढ़ा सकती है, और जितनी भी चीजें हैं फार्मिंग के लिए जो है, कम फर्टिलाइजर, कम वाटर, और इस तरीके से जो है फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। तो इसके आगे देखिए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम एज ए रिलेवेंट इन एनवायरमेंट, एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग वाइटल रोल ऑफ प्लानिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि आप कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि अप टू द कैपेसिटी अप टू विच द इन्वायरमेंट कैन सस्टेन द बायोडाइवर्सिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे जो है आपको ये क्वेश्चन लिखना है। ये आपके इन्वायरमेंट में अगर आप शंकर आईएएस पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो आपको हम इन्वायरमेंट की एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, वो देख लीजिएगा, आप उसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अंतिम क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ गए। डिजास्टर प्रिपेयरनेस इस फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन द हैजार्ड जोनेशन मैपिंग और इन केस ऑफ लैंडस्लाइड, डिजास्टर मैनेजमेंट इन केस ऑफ लैंडस्लाइड। तो देखिए, हैजार्ड जोनेशन प्रोसेस मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड प्रोन एरियाज, और यहाँ पे आपको ये किसके आधार उस पर लिखना है कि लैंडस्लाइड के आधार पे। अब देखिए कि जो ये वाला एरिया है, माउंटेनस रीजन है, ये मोर ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड है, वेयर एज द पेनिनसुलर इंडिया की जो रेंजेस है वो, क्योंकि हाइट वगैरह कम है और इसके आधार पे जो है वो कम है, तो आप इसके आधार पे जो है ये आंसर लिख सकते हैं कि ये दोनों एरियाज जो हैं इस तरीके से वो होते हैं, और जोनेशन हजार्ड के जोनेशन इस प्रकार से है भारत में। तो आप इस तरीके से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के आधार पे जो है ये लिख सकते हैं। यूएपीएम में गवर्नमेंट अभी अमेंडमेंट लाई है, इसके आधार पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द टेररिज्म बाय अमेंडिंग यूएपीए एक्ट, एनालाइज द चेंजेस इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन द स्कोप ऑफ रीजन ऑफ वाई अपोजिंग यूएपीए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसीलिए एडिटोरियल पढ़ने जरूरी है, आप यूएपीए के जो है प्रोज और कॉन्स, जैसे कि एक गवर्नमेंट को जो है ऑटोक्रेटिक पावर दे देगी और ये सब चीजें आपको जो है एडिटोरियल से बहुत अच्छा मिल सकता है। यूएपीए में जो है आपके गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है कि अब आप किसी भी व्यक्ति को भी टेररिस्ट बना सकते हैं, मगर इसके जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ मिसयूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। द क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी इज ओनली सेवरल सिक्योरिटी फेसिंग द पॉलिसी बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर दिस चैलेंजेस। तो देखिए मित्रों, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इंसर्जेंसी जो है वो के उसने बहुत सारे जो है चैलेंजेस फेस कर दिए हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि जो आपकी माइग्रेंट्स वर्कर है, इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है, और इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे जो रोहिंग्या इशू है, एनआरसी का जो इशू है, उसके आधार पे आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना था मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों, देखिए हम आपके लिए लगातार इस तरीके के कोर्सेज ला रहे हैं। आप आईएएस को जो है यूट्यूब, फेसबुक और जितने भी चैनल्स, टेलीग्राम पे आप सर्च करके हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं, और जो है वहाँ पे आप जो है डिस्कशन का जो ग्रुप है उसमें आप जो है ये सभी क्वेश्चनों के जो है आंसर लिख के भेजें, हम उनको जो है रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और सर्विंग आईपीएस, आईएएस से चेक करा के जो है आपको रिव्यू करेंगे। और जल्दी ही हम आंसर राइटिंग सीरीज एक शुरू करने वाले हैं, जो फिलहाल जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए फ्री रहने वाला है, मगर जो 1000 के बाद जो होंगे उसके लिए मित्रों हम मिनिमम चार्ज रखेंगे, मिनिमम चार्ज
मिनिमम चार्ज बोले तो, मतलब कि आपको ये फील ना हो कि आपको जो है सब कुछ फ्री मिल रहा है, हम उसका चार्ज बहुत मिनिमम जो है 500 या कम समथिंग लाइक दैट, जो कि आप एफर्ट कर सकें, जितना आप एफर्ट कर पाएंगे मित्रों उतना रखेंगे, क्योंकि आपको ये फील नहीं आनी चाहिए कि आप आइए जो है फ्री में दे रहा है चलो। इससे क्या होता है, एक चलते की फीलिंग आ जाती है कि चलो यार आएगा कल देख लेंगे, मगर जो है आप आइए, इसकी टीम चाहती है कि आपका वास्तव में सिलेक्शन हो। तो आप मित्रों इन वीडियोज़ को लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वर्तमान से लेकर आगे तक निःशुल्क रहेंगे। और 5 रुपये 10 रुपये अगर हम आपसे चार्ज करेंगे तो वो मित्रों केवल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस आधार पे कि आपका मन लगा रहे। तो मित्रों आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आप आइए जो है निःशुल्क आपके लिए ये सारे कोर्सेज ला रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।